मदरसों से जुड़ी हुई है, दिल्ली से खबर है। मदरसा एक्ट से जुड़ी बहुत बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया गया है। घोषित करने के खिलाफ अर्जी दायर की गई है। याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। मदरसों में पढ़ रहे लाखों बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। याचिका हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अपील हुई है। जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करता तब तक रोक लगे। यूपी मदरसा एक्ट 2004 रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के पास ये अधिकार नहीं कि वो इस एक्ट को रद्द कर दे। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था, जिसके तहत मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना जरूरी था। बोर्ड मदरसों को पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए भी दिशा निर्देश जारी करता था, लेकिन जांच में पाया गया कि सरकार के पैसों से मदरसों से धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसे धर्म निरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत माना और असंवैधानिक करार दे दिया, जिससे सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि बंद हो जाएगी। ऐसे में अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जहां आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई गई है इस एक्ट के खिलाफ। हालांकि बच्चों के भविष्य को लेकर तो अब निश्चित ही चीजें सामने आ गई हैं, किस तरीके से चीजें होंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। देखिए, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर अर्जी दाखिल की गई है और मदरसों को लेकर जो एक्ट था उसको जो अवैध घोषित किया गया था उसके खिलाफ जो है ये अर्जी दाखिल की गई है, ताकि जो मदरसों का भविष्य है उसको जो है बचाया जा सके। इसको लेकर बाकायदा आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और मदरसा एक्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद से ही तमाम जो मदरसे हैं उन पर सवाल खड़े हो गए थे। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर अर्जी जो दाखिल हुई है उसी पर आज कोर्ट जो है सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने के बाद क्या कुछ जो है फैसला निकल के आता है ये देखना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी देने के लिए पूरे